हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑलवेज टुगेदर। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश फ्राई। फ़िश को हमने ऑलरेडी धो के रख लिया है, तो चलो शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे फ़िश फ्राई। फ़िश फ्राई बनाने के लिए हमने लिया है 1 किलो ऑफ पैम्पलेट फ़िश। आप कोई भी फ़िश ले सकते हैं। अब इसके लिए हमने लिए अब हम उसका मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने लिया है 1 टीस्पून ऑफ ज़ीरा, 1 टीस्पून ऑफ पेपर, ब्लैक पेपर, थोड़े से चावल। ये हमने इसलिए ये ऑप्शनल है क्योंकि ये अच्छे से मसाले को बाइंड करेंगे, इसलिए हमने लिया है। आप चाहे तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं, या फिर कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। हमने लिया 1 टीस्पून फुल ऑफ लिया है कश्मीरी चिली पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ, और लिया है थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और थोड़े ग्रीन चिली। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, अब हम इसमें डालेंगे करी लीव्स, हम इसमें डालेंगे फिश मसाला। ये हमने मार्केट से खरीदा है, आप भी ले सकते हैं, ये 1.5 स्पून है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट स्वाद अनुसार, फिर हम उसमें डालेंगे 1 लेमन, डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, जिसके लिए हमने लिए खड़े मसाले 2 से 3 लौंग, 2 इलायची और 1 इंच का चुसकला। इन सारे मसालों को हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे और उसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारा पेस्ट अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। पेस्ट ऐसे थिक होना चाहिए या पतला नहीं होना चाहिए। अब हम इसको हमारी फिश पे अच्छे से लगा लेंगे। देखिए सारा मसाला हमने फिश पे अच्छे से लगा लिया है। देखिए किस तरह से बाइंड हुआ है मसाला। अब हम इसको 40 to 60 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। हमारी फिश अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमने लिया है पैन और उसमें हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। देखिए मसाला कितने अच्छे से लगा है हमारी फिश को। अब हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए हमारी फ़िश फ्राई बनके तैयार हो चुकी है। इट्स रियली वेरी यम्मी और डिलीशियस। आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।